हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स टू एजुकेशन का अड्डा चैनल। आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत है एजुकेशन का अड्डा चैनल में। और आइए आज हम क्लास 11th के रीडिंग द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इस पार्ट का अगला भाग बचा हुआ भाग हम पढ़ते हैं। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. जब मेरे माता पिता शहर में सेटल्ड हो गए, आराम से वो रहने लगे, पूरी व्यवस्थाएं हो गई, they sent for us, यानी उन्होंने हमको बुला लिया। That was a turning point in our friendship. और यही जो है हमारे यानी मेरी दादी और मेरे बीच जो दोस्ती थी उसमें एक निर्णायक बिंदु था, टर्निंग पॉइंट था। एल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम, माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी। एल्दो यद्यपि वी शेयर्ड द सेम रूम, अभी हम लोग एक ही रूम में रहते थे, माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी, अब जो है वो मेरे साथ स्कूल नहीं आया करती थी। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल अ मोटर बस, मैं जो है अब मोटर बस से यानी बस से इंग्लिश स्कूल में जाया करता था। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्ट यार्ड ऑफ द सिटी हाउस, और शहर में जो है गली में कुत्ते नहीं थे। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज, अब उसने स्पैरोज को, गौरैया को, पक्षियों को जो है फीडिंग करना, फीड का मतलब होता है खिलाना, दाना देना उसने जो है प्रारंभ कर लिया था, जो कोर्ट यार्ड में, आंगन में जो है सिटी हाउस के, शहर के घर में आया करते थे। एज द ईयर्स रोल्ड बाई वी सा लेस ऑफ ईच अदर, जैसे जैसे समय बीतते गया वी सा लेस ऑफ ईच अदर, यानी हम लोग एक दूसरे से अब कम ही मिला करते थे। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक अप मी एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, फॉर सम टाइम यानी कुछ दिनों के लिए उन्होंने मुझको जो है कंटिन्यू टू वेक अप मी यानी मुझको उठाया करती थी एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, वह जो है स्कूल के लिए मुझको तैयार भी करती थी। When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. और जब मैं वापस आया करता था वह मुझसे पूछती थी कि आपके शिक्षक ने क्या पढ़ाया। I would tell her English words and little things of Western science and learning, the law of gravity, Archimedes principle, the world being round, etc. और जब हम मुझसे पूछती, I would tell her English words, मैं इंग्लिश के कुछ शब्द बताता, little thing of Western science, जो पाश्चात्य साइंस है, विज्ञान है, उसके बारे में, and learning, जो मैं सीखता था, the law of gravity, गुरुत्वाकर्षण के नियम, Archimedes principle, Archimedes के सिद्धांत को, the world being round, कि ये दुनिया गोल है, इत्यादि बातों को मैं बताया करता था। This made her unhappy. और जब मैं इंग्लिश के बारे में और विज्ञान के बारे में बताता था वो अनहैप्पी हो जाती थी, दुखी हो जाती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेशंस, और वह जो है इन सब चीज़ों में मेरी पढ़ाई में मदद नहीं कर पाती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन, वह जो है इन सब में विश्वास नहीं करती थी, द थिंग्स दे टॉट एट इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स। वो बड़ी परेशान हो जाती थी, डिस्ट्रेस्ड हो जाती थी और कहती थी कि वहाँ पर जो है नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स, भगवान के बारे में और धार्मिक ग्रंथों के बारे में कोई भी पढ़ाई नहीं होता, यह सुनकर वो दुखी होती थी। वन
वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बींग गिवन म्यूजिक लेशंस। एक दिन मैंने उनको बता दिया, अनाउंस यानी बताना कि दैट वी वर बींग गिवन म्यूजिक लेशंस, हमको जो है संगीत की शिक्षा दी गई। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, बहुत है बहुत परेशान हुई। टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन, उसके अनुसार जो है म्यूजिक संगीत जो है उस समय यानी संगीत का संबंध जो है ल्यूड था, यानी अश्लीलता के साथ जो है वह जोड़ती थी। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हरलॉट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मीन्ड फॉर जेंटल फ्लॉक, और वह उसके अनुसार जो है इन गीतों पर जो है एक छत्र मोनोपोली यानी एक छत्र राज होना, हॉरलॉट्स यानी वेश्याओं की एंड बेगर्स भिखारियों का जो है एक छत्र राज होता है, और नो मेंट फॉर जेंटल फ्लॉक, सभी लोगों के लिए वह नहीं है, वह ऐसा मानती थी। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन्ट डिसअप्रूवल, उन्होंने कुछ तो नहीं कहा लेकिन इसका मतलब उसके साइलेंस का, चुप रहने का मतलब डिसअप्रूवल था, यानी वह जो है इससे इसको अस्वीकृत करती थी, सहमति प्रदान उसने नहीं किया। शी रेयरली टॉक्ड टू मी आफ्टर दैट, और उसके बाद तो फिर वह मुझसे बहुत ही कम बातचीत किया करती थी। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन, और जब मैंने यूनिवर्सिटी में प्रवेश लिया, कॉलेज की पढ़ाई में मैंने किया, आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन, और इस समय तो मुझको अलग से रूम प्रदान किया गया, मेरे लिए अलग से कमरा दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, और जब मैं अलग रूम में रहने लगा तब तो जो है हमारे बीच जो दोस्ती थी वो स्नैप्ड यानी झटके से टूट गया। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विथ रेजिग्नेशन, यानी उसने जो है इसको एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया हर सेक्लूजन यानी एकांतवास, बेचारी अकेली हो गई अब, विथ रेजिग्नेशन यानी समर्पण के साथ जो है उसने इसको स्वीकार किया। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पाइनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, वह जो है रेयरली लेफ्ट यानी स्पाइनिंग व्हील जो सूत काटने का चरखा होता था उसी के साथ हमेशा रहती थी, रेयरली लेफ्ट कभी कभार ही छोड़ती थी टू टॉक एनीवन, जब वो बातें करती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सैट बाई हर व्हील स्पाइनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर, फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सूर्योदय से सूर्यास्त तक सी सेट बाई हर व्हील, अपने व्हील के पास ही, चरखे के पास ही बैठे रहती, स्पाइनिंग करती, चरखा चलाते रहती, बुनते रहती एंड रिसाइटिंग प्रेयर, और प्रार्थना करते रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून सी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज, केवल दोपहर के वक्त वह जो है रिलैक्स करती, आराम करती थी। फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज, और उस समय भी वह जो है गौरैयों को, पक्षियों को दाना देती थी। वाइल शी सैट इन द वरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड इन टू लिटिल बिट्स, हंड्रेड्स ऑफ द लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिरपिंग, और जब वह जो है वरांडे में बैठकर ब्रेकिंग द ब्रेड यानी रोटियों को तोड़ती इनटू लिटिल बिट्स छोटे छोटे टुकड़ों में, हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर, उसके चारों ओर जो है सैकड़ों गौरैया जो है पक्षियां जो है आ जाती थी, क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिरपिंग, और एक वास्तविक, वेरिटेबल का मतलब होता है वास्तविक, बेडलम ऑफ चिरपिंग का मतलब है कि शोर शराबा, चिड़ियों की चहचहट वहां पर जो है होने लगती। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, कुछ जो है आती और पर्च्ड यानी बैठ जाती थी ऑन लेग्स उसके पैरों पर, अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, कुछ जो है उसके कंधों पर बैठ जाती। सम इवन सेट ऑन हर हेड, और कुछ तो उसके सिर पर भी बैठ जाती थी। शी स्माइल्ड बट नेवर सूड देम अवे, वह मुस्कुराती थी बट नेवर सूड देम अवे यानी कभी भी उसने उसको भगाया नहीं। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे ऑफ आवर,
और यह जो है उसका सबसे खुशी का क्षण हुआ करता था। आधा घंटा वो जो है सबसे खुशी के पल वह बिताया करती थी। When I decided to go abroad for future studies, I was sure my grandmother would be upset. और जब मैं decide किया, निर्णय लिया to go abroad, abroad यानी विदेश जाने के लिए for further studies, आगे के further यानी आगे studies यानी आगे के अध्ययन के लिए मैं विदेश जाने का जब मैंने निर्णय लिया, I was sure, मैं निश्चित था कि माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, कि मेरी दादी क्या हो जाएगी, अपसेट हो जाएगी, परेशान हो जाएगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और मैं 5 वर्षों के लिए जा रहा था एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, उसकी उम्र कितनी है ये कोई नहीं बता सकता था। बूढ़ी हो गई थी यानी कभी भी मर सकती थी। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन वह अपने बारे में बता सकती थी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वह जो है जरा सी भी भावुक नहीं हुई। शी केम टू लीव मी एट रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक आर शो एनी इमोशन, वह जो है मुझको लीव टू मी, लीव यानी छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पर आई, बट डिड नॉट टॉक, नहीं बात किया मेरे से, आर शो एनी इमोशन, ना ही जो है कोई भी भावना जो है मुझको प्रदर्शित की। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उसका जो होठ था वह जो है प्रेयर में बिजी था। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, और उसका दिमाग भी जो है भगवान पर ही लगा रहा। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बिट्स ऑफ हर रोजरी, और उसके जो फिंगर थे, उंगलियां थी, वो जो है माला जपने मैं बिजी रही। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश्ड द मॉइस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन अस, और साइलेंटली धीरे से शी किस्ड माई फोरहेड, धीरे से उसने मेरे माथे को, फोरहेड यानी माथे को उसने चूमा। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिस्ड द मॉइस्ट इम्प्रिंट, और जैसे ही उसने मुझे चूमा मैंने चेरिस्ड कर लिया, यानी चेरिस्ड का मतलब होता है संजो के रख लेना, हृदय में मैंने संजो के रख लिया द मॉइस्ट इम्प्रिंट, जो नम छाप थी, उसने जो मुझको किस किया तो इसको मैंने हृदय में संजो लिया। एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन अस, क्योंकि मैं ऐसा सोच रहा था कि हो सकता है शायद यह जो है हम दोनों के बीच फिजिकल कॉन्टेक्ट, शारीरिक जो कॉन्टेक्ट है, स्पर्श है, वो जो है अब इसके बाद कभी भी होने वाला नहीं है, मैं ऐसा विश्वास करता था। बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन, ऐसा नहीं हुआ, मैं जब 5 वर्ष बाद वापस आया तो वह जो है स्टेशन पर मुझसे जो है मिलने के लिए आई थी। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, और वह जो है जरा सी भी बूढ़ी और बूढ़ी यानी इन 5 वर्षों में नहीं दिख रही थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स एंड व्हाइल शी clasped me in her arms, I could hear her reciting the prayer. और she still had no time for words, और अभी भी जो है वह किसी से बातें नहीं करती थी, बात करने के लिए उसके पास वक्त नहीं था। And while she clasped me, यानी उसने जब मुझको hug किया, गले लगाया, me, her arms अपने बाहों में, I could hear her reciting the prayer, तो मैंने जो है उसको भगवान नाम का स्मरण करते हुए सुना। Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrows whom she fed longer and frivolous rebukes. और even on the first day of my
अराइवल, मेरे घर पहुंचने के पहले दिन भी उसके सर्वाधिक खुशी के क्षण गौरैया चिड़ियों के साथ ही था, whom she fed longer and with frivolous rebukes. वह जो है बहुत देर तक और निरर्थक दांत फटकार देते हुए खाना खिलाते रही. फ्रिवोलस यानी हल्की फुल्की, रिब्यूक्स यानी झिड़कियाँ, डांटना फटकारना देते हुए वह जो है दाना उनको खिलाते रही. सॉरी, इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर. शी डिड नॉट प्रे. शी कलेक्टेड द वुमन ऑफ द नेबरहुड, गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग. शाम को अचानक से एक परिवर्तन आया. She did not pray. उसने प्रार्थना नहीं किया उस दिन. She collected the woman on the neighborhood. अपने पड़ोसी के औरतों को, पड़ोसियों को उसने इकट्ठा किया. Got an old drum. एक पुराना वाद्य यंत्र उसने, बाजा इकट्ठा किया, लाया. एंड स्टार्टेड टू सिंग. और उसने गाना प्रारंभ कर दिया. फॉर सेवरल आवर्स सी थम्पड द शैगिंग स्किन ऑफ द डाइलेपिटेड ड्रम एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स. और उसने सेवरल आवर्स, कई घंटों तक, सी थम्पड द शैगिंग स्किन ऑफ द डाइलेपिटेड ड्रम, यानी उसने जो है सैगिंग यानी नीचे लटकते हुए, डाइलेपिटेड का मतलब होता है कि जीर्णावस्था में, यानी जो वाद्य यंत्र ढोल जो यूज कर रही थी वो जीर्णावस्था में थी, उसको जो है उसने क्या किया, कई घंटों तक बजाया. एंड सैंग द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और ऐसा गाना गाया जिसमें योद्धाओं के घर वापसी के गीत थे, उसी को उसने कई घंटों तक गाया. वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग. दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे. वी हैड टू परसुएड. हम लोगों ने उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग. दैट वॉज द फर्स्ट टाइम. और यह पहला अवसर था जिसमें, सिंस आई हैड नोन हर दैट सी डिड नॉट प्रे. और इस समय वह जो है प्रे यानी प्रार्थना नहीं कर रही थी. नेक्स्ट मॉर्निंग सी वॉज टेकन इल. और अगली सुबह ही वह जो है बीमार पड़ गई. इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो. डॉक्टर ने कहा कि यह तो जो है हल्का सा बुखार है और चला जाएगा. बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली. लेकिन मेरी जो दादी थी वह जो है दूसरा सोच रही थी. सी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर. उसने कहा कि अब मेरा अंतिम समय आ गया है. She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life, she had omitted to pray. उन्होंने कहा कि कुछ ही घंटे बचे हुए हैं before the close of the last chapter of my life, यानी मेरे जीवन के अंतिम समय बचे, अंतिम क्षण आ गए हैं, कुछ समय बचे हुए हैं, उसी समय मैंने ओमिट टू प्रे यानी भगवान नाम का स्मरण करना जो है छोड़ दिया. शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस. और वह जो है हम लोगों से बातचीत करने में और अधिक समय बर्बाद करना नहीं चाहती थी.
वी प्रोटेस्टेड, हम लोगों ने विरोध किया, बट सी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन जो है हमारे विरोध को उसने इग्नोर कर दिया, ध्यान नहीं दिया, नज़रअंदाज कर दिया. शी ले पीसफुली इन द बेड, इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बिट्स. और फिर से वह जो है शी ले यानी लेट गई, पीसफुली यानी शांतिपूर्वक, इन द बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बिट्स. वह जो है प्रार्थना करती हुई और माला फेरती हुई जो है वहाँ पर लेट गई. इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स. और हम जो है कुछ सोच पाते, इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, शंका कर पाते, हर लिप्स स्टॉप्ड, उसके जो है होंठ स्टॉप्ड हो गए, रुक गए, हिलना बंद कर दिया. रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर, और जो माला जिसमें वह जो है पूजा करती थी वह फेल, गिर गया फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर. लाइफलेस यानी निर्जीव उंगलियों से. अ पीसफुल पोलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट सी वॉज डेड. और उसके चेहरे पर पीसफुल पोलर स्प्रेड यानी पीलापन जो है, शांतिपूर्ण पीलापन पूरे चेहरे पर फैल गया और हम लोग जान गए कि वह जो है नहीं रही, उसकी मृत्यु हो गई. वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज इज कस्टमरी लेड हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड विथ अ रेड श्राउड. वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने जो है उसको बिस्तर से नीचे उतारा, एज इज कस्टमरी जिस प्रकार जो है रिवाज है. लेड हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड विथ अ रेड श्राउड, और हमने उसको जमीन पर सुलाया और लाल रंग के कपड़े से उसको उड़ा दिया. आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स ऑफ हर फ्यूनरल. कुछ घंटों के मॉर्निंग यानी कि विलाप, कुछ घंटे विलाप हम लोगों ने किया, उसके बाद उसको अकेला ही छोड़ दिया. टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल्स, उसके अंतिम संस्कार के तैयारी के लिए हम उसको छोड़ दिए. इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विथ अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू द हर टू बी क्रिमेटेड. और शाम के समय जो है हम क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रिमेटेड यानी कि अर्थी लेकर उसके कमरे पर गए उसको दाह संस्कार के लिए ले जाने के लिए. द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड वरांडा विथ अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट. और उस समय जो है सूर्यास्त का समय था, तो सूर्य जो है पूरे रूम में और वरांडा में ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट यानी सुनहरी रोशनी से प्रकाशित कर दिया था. वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड, हम लोग जो है आधी रास्ते पर ही रुक गए. ऑल ओवर द वरांडा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर सी ले डेड एंड स्टिप रैप्ड इन द रेड श्राउड थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर. और हम लोगों ने क्या देखा कि ऑल ओवर द वरांडा, पूरे वरांडा में, इन हर रूम राइट अप टू वेयर सी ले डेड, जहां पर वह जो है मृत पड़ी हुई थी, एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड श्राउड, और लाल रंग के कपड़े में ढकी हुई थी, कफन में ढकी हुई थी. थाउजेंड्स ऑफ स्पैरो सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, हजारों की संख्या में वहां पर गौरैये जो है बिखरे हुए थे यानी वहां पर बैठे हुए थे. देयर वॉज नो चिरपिंग, और वहां पर कोई भी सुरगुल नहीं था, चहचहाट नहीं थी. वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेस्ड सम ब्रेड फॉर देम,
हम लोगों को उनके लिए बड़ा दुख हुआ कि कैसे वह अभी जो है शांत बैठे हुए हैं। माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम, मेरी माँ जो है उनके लिए कुछ रोटी के टुकड़े उनको दी देम। शी ब्रोक इट इंटू लिटिल क्रम्स द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू एंड थ्रू इट टू देम। मेरी माँ ने उसको छोटे छोटे टुकड़े किए एंड द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जिस प्रकार मेरी दादी करती थी, एंड थ्रू इट टू देम, मैंने उनको जो है दे दिया। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, लेकिन जो स्पैरोज गौरैया वहाँ पर बैठी हुई थी, टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, उन्होंने उसके प्रति कोई भी ध्यान नहीं दिया। वी वर व्हेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स ऑफ द फ्लू अवे क्वाइटली। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इन टू द डस्टबिन। और जैसे ही हमने हमारी दादी के शव को वहाँ से हटाया, द फ्ल्यू अवे क्वाइटली, वो शांतिपूर्वक वहाँ से चली गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इन टू द डस्टबिन। और अगली सुबह जो है, जो स्वीपर थे, झाड़ू लगाने वाले थे, उन्होंने उस ब्रेड्स के टुकड़ों को डस्टबिन में डाला। तो इस प्रकार यह लेसन समाप्त होता है। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, जरूर लाइक करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने एजुकेशन का अड्डा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।